आज हम जानेंगे 2021-22 के बजट में आप लोगों के लिए क्या है। सबसे पहली बात, जो इस बार का बजट प्रस्तुत किया गया, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो बजट डिजिटली प्रस्तुत किया गया है। पहले होता क्या था कि जो बजट था वो पेपर से पढ़ा जाता था और उसी की जो फोटोकॉपी थी वो सारे सांसदों में बंटवा दी जाती थी, लेकिन इस बार का बजट टैबलेट से पढ़ा गया है और उसी की सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप के जरिए सारे सांसदों में बंटवा दी गई है। तो क्योंकि इस साल का बजट बिना पेपर के पढ़ा गया है, तो इस बजट को हम पेपरलेस बजट या डिजिटल बजट भी बोल रहे हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, इनके हाथ में एक लाल कलर का बैग है। इस बार इस बैग के अंदर कोई पेपर ना होकर वो टैबलेट था जिसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। दो बजट है वो 6 स्तंभों के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो सबसे पहला स्तंभ है वो है हेल्थ एंड वेलबींग, यानी स्वास्थ्य एवं कल्याण। जो कोरोना ने सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाई है वो देश के स्वास्थ्य को पहुँचाई है। तो देश के स्वास्थ्य को पटरी पर लाने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठाने वाली है वो हम डिटेल में बात करेंगे इस स्तंभ में। जो दूसरा स्तंभ है वो है अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। अवसंरचना का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो लोगों की ज़िंदगी को तेज बनाए, वो सारी की सारी चीज़ें अवसंरचना में आती हैं। जैसे कि अगर रोड अच्छी बनी होगी तो लोग कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं, लोगों का टाइम बचेगा, लोगों की ज़िंदगी आसान बनेगी। लोगों की ज़िंदगी तेज कौन कौन करता है? जो एरोप्लेन्स होते हैं, ट्रेन होती है, रोड होती है, लोगों की ज़िंदगी आसान करते हैं, तेज करते हैं। तो अवसंरचना में रोड, एरोप्लेन, ट्रेन्स वगैरह आ जाती हैं। तो सरकार की मंशा है 2-4 जगहों पर हाईवे बनवाएगी, जैसे तमिलनाडु, असम, केरला, बंगाल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर हाईवे बनाने की सरकार की पूरी मंशा है। अभी आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास। समावेशी का मतलब होता सबका, यानी सबका विकास। अगर आप अपने धर्म ग्रंथों का ध्यान से अवलोकन करो तो आप पाओगे कि सबका विकास वाली भावना हमारे धर्म ग्रंथों में भी निहित है। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिना, ये लाइन इस बात की पुष्टि करती है कि हमारे धर्म ग्रंथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट का समर्थन करते हैं। इसमें गरीब तबका, किसान, मध्यम वर्ग के लोग, सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात होती है। जैसे कि इस बार सरकार ने बोला है जितने भी लोग 75 साल से ऊपर के हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही काट लेंगे। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पहले एक CA ढूंढना पड़ता है, फिर इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है, तो सरकार ने बोला है कि आपको ये झंझट पालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही आपका काट लेंगे इनकम टैक्स। ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी। बच्चों, पॉपुलेशन को हमेशा से नकारात्मक रूप से देखा जाता है कि भाई ऐसा माना जाता है कि जिस देश की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर बेरोजगारी उतनी ज़्यादा होगी, भुखमरी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं कि पॉपुलेशन का एक सकारात्मक रूप भी है। जिस देश की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है, अगर उनको ढंग से शिक्षा दी जाए तो उस देश में उतने ही डॉक्टर्स, उतने ही ज़्यादा इंजीनियर्स, उतने ही ज़्यादा साइंटिस्ट होंगे जो कि देश की GDP को बढ़ाने का काम करेंगे, उस देश को सुपर पावर बनाने में अपना योगदान देंगे। तो यहाँ पर ह्यूमन को लाइबिलिटी की तरह ना लेकर कैपिटल की तरह देखा गया है। ह्यूमन कैपिटल बन सकता है कब? ह्यूमन देश की पूंजी बन सकता है कब? जब उसको बेहतर शिक्षा मिले। तो शिक्षा कहाँ पर मिलती है? स्कूल्स में मिलती है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि सरकार कहाँ कहाँ पर स्कूल बनवाने वाली है। जैसे कि सरकार 750 एकलव्य स्कूल बनाएगी और 100 सैनिक स्कूल बनाएगी, हम इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगला स्तंभ है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास। अगर आप किसी भी सरकारी वेबसाइट पर जाओगे तो आप देखोगे जो ज़्यादातर जानकारी होती है वो इंग्लिश में अवेलेबल होती है। जो हमारे देश के लोग हैं वो ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी लोग हैं, वो हिंदी ज़्यादा अच्छे समझते हैं। तो
उन्हें रिसर्च वगैरह करने में काफी दिक्कत आती है, उनकी रिसर्च धीरे बनती है। तो उनकी रिसर्च को आसान बनाने के लिए सरकार ने बोला है कि जितने भी गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, सरकार एक स्कीम लेके आने वाली है, ट्रांसलेशन स्कीम। उसके ज़रिए जो जितना भी डेटा है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो हिंदी में भी उपलब्ध होगी, जो कि रिसर्च को आसान बनाएगी, रिसर्च को तेज बनाएगी। छठा स्तंभ है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इसका मतलब क्या होता है? आसान भाषा में इसका मतलब होता है फॉर्मेलिटी कम, काम ज़्यादा। फॉर्मेलिटी कम और काम ज़्यादा। जैसे कि आप जानते हो, जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं उनमें रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा होता है। रेड टेपिज्म यानी फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक एक फाइल पास होने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो आज तक के इंटरव्यू में पीएम से जब पूछा गया कि भाई मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या है, तो पीएम ने अपना एग्जांपल देके बोला, उन्होंने यही बोला कि भाई फॉर्मेलिटी कम होगी सरकारी कामकाज में, सरकारी कामों में, और कामकाज ज़्यादा होंगे। जैसे उन्होंने बोला कि पहले उन्हें एमओयू साइन करने के लिए बार बार विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब वो 90% काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही निपटा लेते हैं, बस एक ही बार बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने बोला कि पहले रेड टेपिज्म के कारण 30-40 साल से 20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अटके हुए थे। वो कहते हैं कि उन्होंने रेड टेपिज्म को ख़त्म करा और एक ही घंटे के अंदर उन्होंने 20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। तो यानी फॉर्मेलिटी कम होगी, काम ज़्यादा होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो इस साल की, इस दशक की, साल कहना गलत होगा, जो इस दशक की जनगणना होगी, आप जानते हैं जो जनगणना होती है, सेंसस होता है, हर 10 साल में होता है, पॉपुलेशन काउंट की जाती है, तो डिजिटल होगी। तो इससे सरकारी कर्मचारियों पे जो होने वाला खर्चा है वो बचेगा, और ये काम भी जल्दी होगा, और सरकार को पॉलिसी बनाने में भी मदद करेगा, क्योंकि जो सरकार पॉलिसी बनाती है वो जनसंख्या को देखकर बनाती है। तो इससे कामकाज की जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होगा। तो हमारा पहला पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग। तो जैसे बच्चों, घर में कोई सदस्य बीमार होता है तो हमारा पूरा सदस्य उसकी हेल्थ पर होता है, उसको निरोगी करने पर होता है। तो हम और खर्चों में कटौती कर उसको निरोगी करने पूरा ध्यान देते हैं। अगर हालत ज़्यादा ही गंभीर हो तो हमें कुछ सामान बेचना भी पड़ जाता है। तो यही काम सरकार ने किया है, देश कुछ ज़्यादा ही बीमार है, तो इसको निरोगी करने के लिए सरकार ने और खर्चों में कटौती करी है। जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा, सरकार ने डिफेंस में कटौती करी है, एजुकेशन में कटौती करी है, दिव्यांग कल्याण योजना में कटौती करी है, और सबका पैसा कहाँ पर लगाया है, हेल्थ में लगाया है। और सरकार ने कुछ चीज़ें बेची भी हैं, जैसे कि पवन हंस, एयर इंडिया, तो ये सारी कंपनी सरकार बेचेगी अभी आगे जाके। तो जैसे जैसे सेशन बीतेगा वैसे वैसे आपको इसकी जानकारी मिलती जाएगी। तो पिछले साल हमारा हेल्थ पे बजट था वो 94,772 करोड़ का था, जो कि इस साल बढ़ाकर 225,000 करोड़ रुपये कर दिया गया, यानी 137% की वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य के ऊपर सरकार ने दिल खोल कर खर्च करा है। अगर आप स्वास्थ्य मंत्री होते, हेल्थ मिनिस्टर होते, और आपको बोला जाता कि आपको हेल्थ, देश की हेल्थ को पटरी पर लाना है, तो आप कौन कौन से स्टेप लेते? क्योंकि देश कोरोना से जूझ रहा है, तो आपका पहला स्टेप तो यही होता, कोरोना की वैक्सीन बंटवानी है। सरकार ने भी ये काम किया है, सरकार कोरोना वैक्सीन बंटवाएगी। इसके लिए सरकार 35,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। आपका दूसरा काम क्या होता? आप क्या करते? हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाते। सरकार ने भी ये काम किया है, सरकार आने वाले सालों में 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स बनवाएगी। मोबाइल हॉस्पिटल्स यानी ऐसे हॉस्पिटल जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके, वो अपनी जगह चेंज कर पाएँ, उन हॉस्पिटल्स को कहते हैं मोबाइल हॉस्पिटल्स। 15 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनवाएगी कि भाई किसी को इमरजेंसी है, ऑपरेशन करवाना है, तो सरकार पूरे देश में ऐसे 15 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खोलेगी। जो शहर के 11,024 हॉस्पिटल्स हैं उसकी सुविधाएं बढ़ाएगी। हॉस्पिटल्स कौन से वाले? गवर्नमेंट वाले कि प्राइवेट वाले? भाई सरकार अपने हॉस्पिटल्स पे ही ध्यान देगी। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी शहर के 11,024 हॉस्पिटल्स हैं उनकी सुविधाएँ बढ़ाएगी, जैसे कि साफ़ सफाई का ध्यान रखेगी वहाँ पर,
बेड्स की संख्या बढ़ाएगी। ऐसे ही गाँव के जो 17,788 हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी साफ सफाई का ध्यान रखेगी, बेड्स की सुविधाएं बढ़ाएगी, मेडिसिंस को उपलब्ध कराएगी, इस तरह की बातें सरकार करेगी। देश में लैबोरेटरीज की कमी है, लैबोरेटरीज यानी जहाँ पर बीमारी की जांच हो सके, तो सरकार लैबोरेटरीज भी बनाने वाली है, इंटीग्रेटेड हेल्थ लैबोरेटरीज। यहाँ पर क्या होगा, छोटे से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक का इलाज, बड़ी से बड़ी बीमारी तक की जाँच हो सकती है, जैसे कोरोना, एड्स, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इस तरह की लैब्स पूरे देश में सरकार बनाने वाली है। सरकार रिसर्च लैब बनवाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरोना ने हमारे देश को तो छोड़ो किसी भी देश को नहीं बख्शा, बहुत ही गहरी चोट दी है। तो ऐसा माना जाता था जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, अगर होगा तो एटम बम से होगा, लेकिन सब देशों ने ये एक्सपीरियंस करा है कोरोना के बाद कि भाई जो एटम बम से ज़्यादा कोई चोट पहुँचा सकता है तो वो वायरस पहुँचा सकता है। तो ये अनुमान है कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो बहुत ही सूक्ष्म रूप से होगा, वायरस के जरिए एक दूसरे देश लड़ेंगे। तो कोई वायरस इससे पहले कि अटैक करे हमें उससे लड़ने के लिए पहले ही तैयार रहना होगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्लेटफॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया का। इसके प्लेटफॉर्म हर जगह हैं, इसके जैसे प्लेटफॉर्म मान लो जैसे इसकी जो ब्रांचेज होती है ना, जैसे मैं हूँ अभी एक क्लासेज, अगर मेरी कल को ब्रांच हो जाए चेन्नई में तो मैं कहूँगा मेरा प्लेटफॉर्म एक चेन्नई में है। तो ऐसे ही एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके साउथ ईस्ट एशिया में एक प्लेटफॉर्म है वन हेल्थ। तो इसकी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भारत सरकार है वो तीसरे दर्जे की नो बायोसेफ्टी लैबोरेटरीज खोलेगी, नो बायोसेफ्टी लैबोरेटरीज खोलेगी तीसरे दर्जे की, जहाँ पर कि वायरस वगैरह का अनुसंधान होगा। साथ ही 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी क्या होता है, वायरस की स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी। तो 4 कॉलेजेस सरकार खोलेगी वायरस की स्टडी को करने के लिए, ताकि अगर फ्यूचर में कोई अटैक होता है तो उनसे बचने के लिए हमें पहले ही तैयार होना है। अगर आप दूषित हवा में रहोगे तो रोगी रहोगे, तो आपको शुद्ध हवा में रहने के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध हवा में रहना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार हवा को शुद्ध करने का काम करेगी, पोल्यूशन करने का काम करते हैं, जो पुरानी गाड़ियां होती हैं, जो पुराने व्हीकल्स होते हैं वो पोल्यूशन फैलाने का काम करते हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार एक पॉलिसी लेकर आई है, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होगा, जो व्यक्तिगत वाहन होते हैं, इंडिविजुअल व्हीकल्स होते हैं, उनका 20 साल में एक फिटनेस टेस्ट होगा। अगर वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो वो व्हीकल्स ऑटोमेटिकली स्क्रैप माने जाएंगे, कबाड़ा माने जाएंगे। और जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, वाणिज्यिक वाहन होते हैं, कमर्शियल यानी जिनसे आप पैसा कमा सकते हो, वाणिज्यिक वाहन जैसे कि बस, थ्री व्हीलर्स, टैक्सी, ये सारे बिजनेस करने का काम आते हैं, तो जो उनका भी फिटनेस टेस्ट होगा वो 15 साल के बाद होगा। अगर वो फिटनेस टेस्ट में फेल होते हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्रैप बन जाएंगे, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हमारी मदद कर सकता है। बाकी गवर्नमेंट क्या करेगी, 42 शहरी जगहों पर, क्योंकि गांव में तो प्रदूषण इतना होता नहीं है, शहर वालों ने आतंक मचा रखा है, तो 42 शहरी जगहों पर सरकार पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएगी, एयर प्यूरीफायर्स, बड़े बड़े एयर प्यूरीफायर्स इंस्टॉल्ड करेगी। सरकार ने जो इसके लिए फंड अलोकेट किया वो करा है 2,217 करोड़ का फंड अलोकेट किया है। जो पानी है, गांव छोड़ो शहरों में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर भी मीठा पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहां पर भी गाड़ियां आती हैं पानी सप्लाई करने। तो सरकार क्या करेगी, शहरी जगहों पर पानी का कनेक्शन देगी, मीठे पानी का कनेक्शन देगी, है ना। तो लोग नल से पानी का लाभ उठा सकते हैं, जैसे सरकार मीठे पानी की सुविधा तो दे रही थी लेकिन किसी कोई गाड़ी आती थी उससे लोगों को मीठा पानी प्राप्त होता था, लेकिन लोग अब नल से मीठे पानी को प्राप्त कर पाएंगे। सरकार क्या करेगी, 2.86 करोड़ यानी 2.86 करोड़ घरों को टैप कनेक्शन देगी और उसमें मीठा पानी कनेक्शन देगी, लोग नल के जरिए मीठे पानी को प्राप्त कर पाएंगे। इसके जरिए, इसके लिए सरकार ने 2,87,000 करोड़ का फंड अलोकेट किया है। सरकार स्वच्छ भारत योजना 2.0
ओ चलाएगी, ये 2021 से लेकर 2026 तक की होगी, यानी 5 साल के लिए चलाएगी। इसके लिए सरकार ने फंड अलोकेट किया है 1,41,678 करोड़ का फंड सरकार ने अलोकेट किया है। जो स्वच्छ भारत योजना थी, स्वच्छ भारत मिशन था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, इंडिया को खुले में शौच मुक्त बनाना, खुले में शौच मुक्त बनाना। तो इसके लिए सरकार ने पूरे इंडिया में टॉयलेट्स बनवाए थे। तो इस मुहिम को सरकार फिर से चला रही है 5 साल के लिए। सरकार ने इतना फंड अलोकेट किया, ये पहली बार कब चलाई गई थी, 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक के लिए चलाई गई थी, और जिसकी दुनिया भर में सरकार की काफ़ी तारीफें हुई थी। तो आप जानते हो कि सरकार कोई योजना ना चलाए ऐसा हो नहीं सकता। योजना चलाना सरकार का एक फेवरेट काम होता है। तो सरकार ने हेल्थ को लेकर भी एक योजना चलाई है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके लिए सरकार 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी आने वाले 6 साल में, यानी हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब इस योजना में क्या क्या होगा, मैंने आपको बताया ना, सरकार हॉस्पिटल्स बनवाएगी, लैब्स बनवाएगी, रिसर्च लैब्स बनवाएगी, ये सारे इसी योजना में आएंगे। अब हॉस्पिटल तो एक साल में नहीं बन सकता है ना, इतना सारे काम एक साल में नहीं हो सकते, ये सारे काम 6 साल में होंगे। और ये सारे काम किस योजना के अंतर्गत आएंगे, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत आएंगे, जिसके लिए सरकार ने 64,180 करोड़ का खर्चा करने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ।